यू कैन नॉट मूव मी, मैं अकेली खड़ी हूँ, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। टेन किया जा रहा है, उठाया। ये ना कॉन्टेस्ट नहीं है जिसकी परमिशन लेनी होती है, ये प्रोटेस्ट है। सबसे तुम कितने जेलों में भरोगे? जेल में भर लीजिए, कोई बात नहीं। कल कल पोस्ट, प्लीज प्रोटेक्टेड, प्लीज प्रोटेक्टेड। लड़ाई बहुत लंबी है और जो ये सितम है ये होता रहेगा, जुल्म बढ़ेगा। अभी भी हाल ही में जुल्म हुआ और इस वास्ते मैं कांगी की जामिया से जुल्म शुरू हुआ। जब जुल्म शुरू हुआ तो सॉलिडारिटी भी शुरू हुई, प्यार और एक दूसरे के लिए जो इज्जत थी वो भी शुरू हुई। हर यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर आए। जुल्म शुरू हुआ तो वो एएमयू तक भी पहुंचा उसी रात, उसके बाद वो जेएनयू तक भी पहुंचा। एएमयू और जामिया में वर्दी वाले गुंडे आए थे, नकाबपोश गुंडे आए थे। इत्तेफाक की बात है, मैं उस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ जिसका नाम है गार्गी कॉलेज। तो गार्गी कॉलेज में बदतमीज गुंडे आए थे जो हमारे साथ बदतमीजी करने आए थे, और मैं बहुत खुशकिस्मत समझती थी अपने आप को जब मैं कहती कि देखिए लॉ फैकल्टी में तो थोड़ा गुंडागर्दी होती रहती है, लोग मारपीट करते, पर मेरे गार्गी में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने मेरी गार्गी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर लड़कियाँ गर्ल्स कॉलेज में रहकर भी प्रोटेक्टेड फील नहीं करती, और वो जश्न का माहौल था, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं था, लड़कियाँ सिर्फ वहाँ जश्न कर रही थी, टेस्ट चल रहा था। और उधर जब गुंडे घुसे तो सामने पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी थी, उन्होंने पुलिस और पैरामिलिट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, उनको रोका तक नहीं। उसके बाद लड़कियों को अंदर जाके बोला कि अगर तुम नहीं जा पाए तो तभी तुम छेड़े जाओगी, तुमने छोटे कपड़े पहने तुम तभी छेड़ी जाओगी, क्योंकि तुम आती यहाँ क्यों अगर प्लान से फेल करती हो। तो इसलिए मेरे पढ़ने की आजादी से भी तुम्हें दिक्कत है, और जब जब मैं बोलूंगी उससे दिक्कत है। तो गार्गी कॉलेज ने क्या किया, तो लड़कियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, पूरा कॉलेज ने बॉयकॉट करके प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लगातार इस हफ्ते चल रहे हैं, और उन्होंने बोला था कि एक पोस्टर था जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई उसको पढ़ के, कि गार्गी की लड़कियां इतना हल्ला बोलेगी ना, इतना हल्ला बोलेगी कि पूरा जू सेफ हो जाएगा। तो बोलने वाले लड़की हो, लड़का हो, किसी कौम का हो, किसी कौम का ना हो, वो एलीट हो, वो गरीब हो, क्योंकि गार्गी में काफी एलीट लड़कियां आती है अगर मैं सच कहूँ तो आप अगर बोलेंगे, आप अगर सवाल उठाएंगे, आप आजादी अपनी जताएंगे तो आपको दबाया जाएगा। इसलिए हम सब स्टूडेंट्स को इकट्ठे आना है, और जब जब स्टूडेंट्स इकट्ठे आते हैं तो ये संसद खाली होता है।